महाबली हनुमान का एक धाम। पांच सौ साल से भी पुराना एक शिवलिंग, तीन संतों की समाधि और गद्दी पर बैठे एक गुरुदेव। इन चार कोनों के बीच चमत्कार की एक दुनिया बसती है जो कदम कदम पर लोगों को चौंकाती है, सोचने के लिए मजबूर कर देती है। फरियादी के दिमाग में जो होता है वो बताने से पहले बाबा के कागज पर छप चुका होता है। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ, गंभीर हालत है, तीसरे स्टेज का है, डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। पीयूष अग्रवाल गुजरात, बच्चा गंभीर हालत में परेशान, खून में इन्फेक्शन, नस दबी, एक साल से दवा काम नहीं कर रही, गर्दन में समस्या, चेतन विद्या की गई, लाभ होगा, आशीर्वाद। पीड़ित के दिल में जो बात होती है वो कुछ बोलने से पहले बाबा की जुबान पर होती है। कृपा होगी, पूर्ण लाभ होगा। घर में एक ना एक बीमार 2017 से है, घाव बना, गले में कैंसर नामक रोग हुआ है। उसे बोल, कुछ बिगाड़ा? कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस बाबा के सामने खड़ा होना है, फिर समस्या से लेकर समाधान तक सब कुछ पल भर में आपके सामने। लोग कहते हैं ये बाबा का चमत्कार है, बाबा कहते हैं ये चमत्कार महादेव, महाबली और सैकड़ों दिव्य शक्तियों का है जो धाम परिसर में 24 घंटे तैनात रहती हैं। इस दावे की पड़ताल के लिए आज आपके सामने बहुत कुछ ऐसा होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ, और आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के साथ भी कुछ ऐसी घटना होगी जिसका सामना आज तक हमने कभी नहीं किया। कैमरामैन नदीम अंसारी, आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है, पढ़ेगा, खुश रहेगा। आधी हकीकत आधा फसाना, मन की बात जान लेने वाले को अंतर्यामी कहा जाता है, और दिव्य ग्रंथों के मुताबिक अंतर्यामी तो सिर्फ भगवान होते हैं, लेकिन धरती पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना बताए सामने वाले की मन की बात जान लेने का दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ऐसे ही एक बाबा हैं। दावे के मुताबिक वो बाबा सामने खड़े फरियादी की हर बात जान लेते हैं, यहाँ तक कि उसका नाम और पता भी। फरियादी को सिर्फ बाबा के सामने खड़ा होना है, कुछ ही पल में उसका भूत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ बाबा के पर्चे पर दर्ज हो जाता है। कहते हैं कि उस धाम में कुछ दिव्य शक्तियां हैं जो फरियादियों के मन की बात बाबा तक पहुंचाती हैं, और दावा तो यहां तक किया जाता है कि बाबा की लिखी एक एक बात 100% सच होती है, लेकिन भला हम ये बात कैसे मान लेते हैं? चलिए चलकर देखते हैं बाबा के धाम में जो होता है वो कैसे होता है। बिना बताए सब कुछ जान लेना, ये तो भगवान का काम है। ये कौन सा इंसान है जो भगवान की तरह अंतर्यामी है? पता नहीं ये चमत्कार है या चालबाजी, ये लोगों की आस्था है या कोई अंधविश्वास। तो ये है बागेश्वर धाम, बड़ी छोटी सी नॉनडिस्क्रिप्ट जगह है। साल दो साल पहले अगर आप पन्ना या छतरपुर में पूछते तो शायद ही कोई आपको बता पाता, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जगह सोशल मीडिया पर बेइंतहा वायरल है। वजह यह है कि यहाँ पर एक पर्चा बनता है, दरबार लगता है, और आपकी हर जानकारी को उस कागज़ पर दर्ज कर दिया जाता है, वो भी बिना आपसे पूछे। सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है, क्या वाकई ऐसा होता है या इसमें कुछ ट्रिक इन्वॉल्व है, हमको नहीं पता। हमने सिर्फ वीडियोस देखी हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और उनको उनके हर सवाल का जवाब बिना कुछ बोले मिल जाता है। तो बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं, आइए देखते हैं कि इस दरबार में आखिर होता क्या है।
जो भी होगा कुछ देर बाद सबके सामने होगा। मन की बात जानने की कई माइंड गेम होती है, बिना बताए नाम और पता बता देना या आश्रम की कुछ ट्रिक से संभव है। लेकिन दावा यह है कि बाबा के कागज पर लिखी एक एक बात सही होती है। देखते हैं हमारे कैमरे के सामने क्या होता है। किसी को सूचना दिए बगैर हमारी टीम सीधे दरबार में पहुंच गई, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, कुछ गंभीर मरीज भी दिखे। इन सब से दूर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें लोग गुरुदेव और बाबा कहते हैं, वो सोफे पर बैठे कुछ कागज पर लिख रहे थे। बाबा की बातें सुनकर लोग उनके चरणों में लेट जाते। हमने दरबार में ही बाबा को पूरी बात बताई, आने का कारण बताया। हैरत तो तब हुई जब बाबा ने इस रियलिटी टेस्ट के लिए तुरंत हामी भर दी और तुरंत अगला पर्चा लिखने में जुट गए। फिर बाबा ने एक आवाज लगाई। कुछ नंबर रात्रि के रह गए थे, 2-3 दिन से कौन कौन रुका हुआ है? अच्छा, 2-3 दिन का है, इमरजेंसी नंबर है, आइए। फरियादियों का कोई क्रम पहले से तय नहीं था। इस महिला को बिना नाम और नंबर के बुलाया गया। बिना कुछ बोले महिला बाबा के पास बैठ गई। बाबा लगातार कागज पर लिखते जा रहे थे, हमारी हर हरकत पर नजर थी। लिखने के बाद बाबा ने महिला को करीब बुलाया। नजदीक आए माताजी, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो माता जी, कार जी है बालाजी के चरणों में। रोग दो बना, कहाँ से आई आप? दिल्ली से आई। दिल्ली में कहाँ रहती है? गाजियाबाद में रहती है। अच्छा अच्छा, पहली बार आई है? हाँ जी, पहली। किसी को अपना प्रश्न बताया? हमें किसी ने बताया था, कोई छतरपुर की रहते तो हम पंडित जी। अच्छा, उन्होंने बताया। रहते हैं? हाँ, उन्होंने। किसी को आपने अपनी परेशानी तो नहीं बताई? यहाँ नहीं, ऐसे पूछिए। क्या पूछना है? हम पढ़वाएं आपको? पढ़ी लिखी हैं? नहीं, हम पढ़े लिखे। अब और बढ़िया, किसको पढ़वा तुम्हें पढ़वा दें? हमारी टीम से ही उस महिला का पर्चा पढ़ने के लिए कहा गया, जिसे बाबा ने महिला के बताए बिना लिखा था। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ, गंभीर हालत है, 3रे स्टेज का है, डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा, धीरे धीरे लाभ होगा, 2022-28 अगस्त तक स्वस्थ होगी, आशीर्वाद। पर्चे पर बाबा की बताई सारी बातें लिखी थी, वो भी नाम के साथ। बाबा ने नाम भी नहीं पूछा था। गर्भाशय में बताओ, बच्चादानी में दिक्कत बताई? हाँ, बच्चादानी में दिक्कत ले भैया, जो पढ़ पर्चा बहुत दूर हुआ है, भोपाल में भी हुआ है और जब एम्स में इलाज चल रहा हूँ। ये पढ़ ले भैया। बाबा यही नहीं रुके, महिला से जुड़ी और भी कई बातें बताने लगे। घर में एक ना एक बीमार 2017 से है, सिरवा पेट की पीड़ा बनाते हैं, मकान स्थान आप बदल चुके हैं, मकान आप स्थान बदल चुके हैं, 2017 से धन की तंगी भी बनी हुई है। ये 3 प्रश्न लेकर के आप बागेश्वर बालाजी के दरबार में आई हैं। आपको बताई हुई तारीख में लाभ होगा, पर राम नाम का जाप करना पड़ेगा, मंगल की पेशी कर बे पड़े, पेशी कर हो, आराम लगे, गारंटी हमारी, जाओ आशीर्वाद। बाबा ने इलाज भी बताया, जिससे संतुष्ट होकर महिला चली गई। हमने महिला से भी पूछा, बाबा ने नाम और बीमारी दोनों सही बताई, जबकि महिला से किसी की बात नहीं हुई थी, बाबा से भी नहीं। बड़ा ही अजीब चक्कर था।
क्या बताएंगे, क्या बता सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सरप्राइजिंग है, नाम बता देना, बीमारी बता देना इस तरह से कि किसी का नाम आप बता दे रहे हैं बिना जाने, बीमारी बता दे रहे हैं। अब इनके साथ क्या बताते हैं देखते हैं एक बार। एक और महिला फरियाद लेकर बैठी थी। शांति के साथ पर्चा लिखने का काम शुरू हुआ, लेकिन बाबा का एक और जौहर देखना अभी बाकी था। बाबा ने अचानक सामने बैठी महिला को छोड़ दूसरे फरियादी का नाम पुकारा। श्री सीताराम नाम भगवान की, कोई गायत्री देवी नाम शरजी। दरबार में फौरन गायत्री की तलाश शुरू हो गई। वो महिला कमरे के एक कोने में मिली। यहाँ पहले से किसी को लिखवा तो नहीं दिया आपने? नाम तो नहीं बताया इमरजेंसी में, कार्यालय में काउ ने पूछो तो नहीं है? ये कुछ और नहीं, हमारी चुनौती का जवाब था। कहते हैं बाबा पर्चा बनाकर किसी को भी बुला लेते हैं, पर्चा भी फरियादी के हिसाब से बदल जाता है। सामने किसी और फरियादी को बैठाया, पर्चा लिखा, फिर किसी और का नाम पुकारा जिसे कोई जानता भी नहीं था। महिला से बात करके हमने भी पूरी पड़ताल की, फिर बाबा ने बताना शुरू किया। हमने 1999 से ही परेशान है, 2005 से अति से ज्यादा विसंगति में फंसे हैं, अल्कोहल की मात्रा इनने ज्यादा लाई, यही से बीमार है, पप्पा जी कृपा करते हैं आशीर्वाद। ऐसा ही है जैसा बाबा जी ने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब शराब वगैरह पीने की वजह से बीमारी हो गई थी। हाँ, शराब और सिगरेट, शराब और सिगरेट अभी भी नहीं छूट रहा है। बाबा ने भभूत देते हुए कुछ इलाज बताया, महिला संतुष्ट होकर चली गई। हमारी दिलचस्पी इलाज में नहीं, बीमारी पता करने में थी। इलाज के नतीजे का सबूत भी कुछ देर में हमारे सामने आ गया। पंजाब का एक शख्स उपहारों के साथ बाबा से मिलने पहुंचा, जिसके मुताबिक बाबा के आशीर्वाद से उनका बच्चा बोलने लगा है। हमने उस शख्स से अकेले में बात की। इसमें लिखा हुआ है कि बालक आपका मंदबुद्धि का दिमाग कमजोर तथा जन्मजात ब्रेन नस पितु दोष कारण से मूत बाधा का प्रभाव, मृतक मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो यही सारी चीजें थी आपके बच्चे के साथ। देखिए जब पहली बार आए होंगे तब बाबा ने इनको कागज दिया होगा, उसको बाकायदा लेमिनेट करा लिया है, मतलब इस तरह से रखा हुआ है और लिखा हुआ है कि बालक आपका मन बुद्धि दिमाग कमजोर और मतलब जो जो प्रॉब्लम्स है। ये बताइए क्या अब कैसा है? अब ठीक है, वो बोलते हैं क्लियर बोल रहा है, आपने बताने लग गया, मैं क्लियर बोल रहा हूँ पापा। लेकिन जो जो जैसा आप बता रहे हैं कि मन बुद्धि था, बोल नहीं पाता था, वो लोग तो बोल नहीं पाते हैं अमूमन, मतलब जीवन भर वो जी तो ठीक हो गए ना, अभी बोल रहा है। हमें बहुत खुशी हुई, हम दूसरी बार यहाँ पर आए। तो डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने क्या कहा था उस वक्त? तो कहते जी मजबूती के रहेगा, इसको समझ नहीं आया, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। डॉक्टर लेकिन वो बोल रहा है अभी। इलाज के असर का मुद्दा यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उसी पर विश्वास करते हैं जो कैमरे के सामने होता है, और जो हमारे सामने हो रहा था वो बेहद चौंकाने वाला था। अब इसे देखिए। तुम आए घर से, पढ़ी लिखी हो? अब और बड़ी बात, हमने लिखा गुम गए हैं, पति हैरान है, उन्हीं को परिवार ढूंढ रहा, उसी कारण उत्पात घर में मचा है, बस स्वास्थ्य भी खराब बना रहता है। पता लगेगा वर्तमान में मकान से 177 किलोमीटर की दूरी में है, पता जानकारी लग जाएगी किसी कंछेदी नाम के एक रिश्तेदार के द्वारा जानकारी लगेगी और घर आ जाएंगे, पर 17 दिन लगेंगे। आशीर्वाद। माता जी है आपका कोई रिश्तेदार कंछेरी नाम का? हाँ, पन्नों गांव में है, रिश्तेदारी है। अच्छा, हाँ। इनसे पूछो फिर नाम तो नहीं, रिश्तेदार को बताता हूँ तो इतने काम नहीं, अपना हाँ। तो बताता है आदमी, रिश्तेदार को थोड़ी आके बताए, इतने काम में बता तो नहीं, तो जाओ का आशीर्वाद। इस महिला के पति कुछ महीने से लापता हैं। बाबा ने मामले को हूबहू कागज पर उतार दिया। चमत्कार इलाज बताने या भभूत के असर में नहीं, लोगों के मुताबिक चमत्कार बिना बताए समस्या बता देने में है, बिना बताए बीमारी का नाम लिखने में है।
दरबार में दूर बैठी महिला का नाम लेकर बुलाने और उसकी सटीक भविष्यवाणी में चमत्कार फरियादी के उस रिश्तेदार का नाम बताने में है जो धाम से सैकड़ों मील दूर एक छोटे से गांव में बैठा है। कंछेदी नाम के एक रिश्तेदार। अब तो हमारी टीम को भी चमत्कार के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या पता था सबसे बड़ी पहेली से सामना होना अभी बाकी था। आधी हकीकत आधा फसाना। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दरबार में पहले से ही धाम के लोग बैठे हों। ये भी हो सकता है कि फरियादी जिस वक्त दरबार में आते हैं उस वक्त उनकी सारी जानकारी नोट कर ली जाती हो। लेकिन धाम में हर रोज 4,000 से 5,000 लोग आते हैं, ऐसे में हर एक की जानकारी लिख कर बाबा तक पहुँचाना और उसे याद रखना बिल्कुल नामुमकिन काम है। लेकिन फिर भी हमारी टीम ये इंश्योर करना चाहती थी कि सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाए, मतलब शक की कोई गुंजाइश ना बचे। इसीलिए हमने आश्रम की तहकीकात बहुत अच्छे से की। मरीज किस तरह से दरबार में आते हैं, किस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से उनकी अर्जी लगाई जाती है और किस व्यवस्था के तहत वो फरियादी बाबा के दरबार तक पहुँचते हैं, हर चीज़ हमने खंगाल डाली और इस पूरी पड़ताल में बहुत सारी चौंकाने वाली बातें हमारे सामने आई। धाम में उमड़ी इस भीड़ को देखिए, लोग इससे भी ज्यादा तादाद में पहुंचते। आखिर आस्था की वो कौन सी डोर है जो लोगों को इतनी दूर खींच लाती है? हमारी टीम अब इसी पड़ताल में जुट गई। जरा भीड़ का आलम देखिए, हजारों की भीड़ है। इतनी छोटी सी जगह है जहाँ पहुँचना मुश्किल है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए खबरें चली हैं, लेकिन लोग उम्मीद के साथ, इस उम्मीद के साथ कि उनकी सारी परेशानियाँ हल हो जाएंगी, उनकी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, उनके साथ जो दिक्कतें चल रही हैं वो सब दूर हो जाएंगे, इस उम्मीद के साथ हजारों की भीड़ इस तरह से बागेश्वर धाम में आती है और बिल्कुल डॉक्टर की तरह पर्चा बनवाती है और इंतज़ार करती है कि किस तरह से, जैसे डॉक्टर दवाइयां लिख के देता है, आप किसी MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, वो आपकी पूरी बीमारी वगैरह लिख देता है, लेकिन बीमारी जानने के लिए टेस्ट करवाता है, यहाँ पर वो सब नहीं होता। और उसी लिए ये भीड़ है, हजारों की तादाद में ये लोग हैं जिनको पता है कि यहाँ पर जाएंगे, बाबा के सामने खड़े होंगे और उनके हाथ में एक पर्चा दे दिया जाएगा जिसमें वो सब कुछ लिखा होगा जो उनके दिल में है, जो उनके दिमाग में, और किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी उस पर्चे पे वो सब दर्ज कर दिया जाएगा। पहले ये पता करते हैं कि धाम में आने और बाबा के सामने पहुंचने के बीच फरियादी कितनी प्रक्रिया से गुजरते हैं। हो सकता है रहस्य इसी में छुपा। धाम पहुंचने पर फरियादी को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है इस जगह पर। यहीं से टोकन मिलता है और टोकन लेने के दौरान कुछ जानकारी देनी होती है। इस ऑफिस में आकर आपको टोकन लेना पड़ता है और टोकन के लिए पर्ची आपने बनाई जाते हैं जिसमें आपका नाम लिखा होता है, स्थान और मोबाइल नंबर लिखा होता है और फिर उस पर्ची को आप यहाँ दे देते हैं। मतलब तीन चीज़ें हैं जो आप बताते हैं, पहला आपका नाम, दूसरा आपका कहाँ से आए हैं और तीसरा आपका मोबाइल नंबर। यहीं से सूचना लीक होने की आशंका जताई जाती है। बाबा बिना बताए फरियादी का नाम और जगह बता देते हैं। कहते हैं टोकन की इस व्यवस्था से ये संभव है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये नंबर इमरजेंसी वाले लगते हैं जो टोकन सिस्टम के अलावा प्रति दिवस 30 से 40 इमरजेंसी आती है। हम सपोज डेट उनका नाम लिख लेंगे
उनकी बीमारी लिख लेंगे। इसके अलावा जो 60 टोकन नंबर प्रतिदिन बांटते हैं या भीड़ में से हजारों लोगों में से बुला लेते हैं, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हजारों लोगों में से हम हजारों लोगों की उनकी समस्याएं लिख के रखें और किसी से भी जाके कह दें कि आप किसी को भी उठा लाएं, ये पर्चा उसी का होगा, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो ये नहीं है, ये तो हमने भी देखा था। बाबा दरबार में किसी का भी नाम पुकार लेते थे, कभी किसी के घरेलू नाम से, कोई गायत्री देवी नाम से। तो कभी फरियादी के साथ आए उस शख्स के नाम से जिसका रजिस्ट्रेशन में भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप भी देखिए, कोई गायत्री देवी नाम से अर्जी आए, पहले का नाम है। नाम वगैरह किसी ने पूछा आपसे? नहीं, मैं कहीं भी नहीं। कोई नाम वाम आपने नहीं बताया? अच्छा, पर्चा बनवाया बस आपने यहाँ पे, वो टोकन? हाँ, टोकन इनके नाम का है, मैं इनके साथ आई। अच्छा, आप इनके साथ। सुना आपने, टोकन पति के नाम का था। बाबा ने दरबार में पत्नी का नाम पुकारा और वो भी इनके किसी पुराने नाम से। इस तरह रजिस्ट्रेशन से सूचना लीक होने की अटकल को सही नहीं मान सकते। फिर चक्कर क्या है, इसको धाम के नजरिए से समझते हैं। चमत्कार की उस कहानी को सुनते हैं जिसमें लोगों की गहरी आस्था है, और इसकी शुरुआत होती है यहां से, जहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फरियादी बालाजी यानी महाबली हनुमान और महादेव शिव को अर्जी देने पहुंचते हैं। जब आप अदालत में पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपना केस फाइल करते हैं, अपने केस को जज के सामने पेश करते हैं। अब यहाँ पर जो ये पोटलियाँ आपको दिखाई दे रही है, पूरा प्रोसेस उसी तरह से है। जो लोग बागेश्वर धाम में आते हैं सबसे पहले अपनी अर्जी लगाते हैं। ये जो पोटलियाँ लाल कपड़ों में बंधी हुई लटकी हुई हैं, और एक दो नहीं है, हज़ारों की तादाद में इस पूरे मंदिर में, तो ये एक तरह से वो अर्जियाँ हैं जो लोगों ने यहाँ पर फाइल की हैं। जो भी परेशानी है वो अपने मन में सोची और लाल कपड़े में पोटली बना के यहाँ पर बांध दी, और बीच बीच में आपको ब्लैक पोटलियां भी दिखाई दे रही होंगी। ये ब्लैक प्रेत बाधा से रिलेटेड हैं। जिन लोगों को प्रेत बाधा है वो ब्लैक कलर में बांधते हैं, और जो नॉर्मल अपना पैसे वैसे या परेशानी से जिससे भी आप ग्रसित हैं उसके लिए अगर आप आते हैं तो आप इस तरह से रेड कलर में बांधते हैं। तो दो कलर कोड्स हैं, सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है कि आप सबसे पहले अपना केस सबमिट करते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। तो ये जो सारे आपको नारियल दिखाई दे रहे हैं बेसिकली अर्जियाँ हैं। इसी जगह पर महादेव और महाबली का मंदिर है, जहां अर्जी लगाने के बाद फरियादी मंदिर की 21 बार परिक्रमा लगाते हैं। इस दौरान मन में मुराद को लगातार दोहराया जाता है। मान्यता यह है कि इस जगह पर धाम की पूरी शक्ति निवास करती है। तो बागेश्वर धाम के अगर सेंटर पॉइंट की बात करें, मतलब वो चीज़ जो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो दो ही हैं यहाँ पर, एक शिव मंदिर है और दूसरा ये जो आपको बालाजी का मंदिर दिखाई दे रहा है, बेसिकली दक्षिण मुखी हनुमान का जो मंदिर है वो यहाँ का सेंटर पॉइंट है। और जो महाराज जी हमेशा बात करते हैं, जैसे भी आपने सुना होगा, जो वीडियोस देखे होंगे उसके अंदर वो बात करते हैं कि सारी शक्ति जो उनकी मिलती है वो यहीं से मिलती है, बालाजी के दरबार से मिलती है। तो ये आप समझिए सेंटर पॉइंट है, और इसी की परिक्रमा लगानी होती है। 21 परिक्रमा आपने अपनी फाइल लगा दी, उसके बाद आप 21 परिक्रमा लगाते हैं, 21 बार मंदिर के इर्द गिर्द घूमते हैं, और उसके बाद फिर आपकी पेशियों का सिलसिला शुरू होता है। तो हर मंगलवार को लोग आते हैं, हर रोज़ आते हैं, और लगातार परिक्रमा जो है यहाँ पर चलती रहती है। इसी जगह पर तीन संतों की समाधि है। कहते हैं ये बाबा के गुरु हैं, जिनकी शक्ति आज भी इस धाम के अंदर समाहित है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि धाम की इस जगह को शक्ति का केंद्र क्यों कहते हैं। इस जगह पर चार चीजें हैं। पहला बालाजी यानी महाबली हनुमान की प्रतिमा, दूसरा महादेव की प्रतिमा, तीसरा बाबा के गुरुओं की समाधि, और इसी जगह मन्नत के नारियल बांधे जाते हैं जिसकी 21 परिक्रमा करते हुए फरियादी मन्नत को दोहराते हैं। दावा यह है सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों और समाधि की दिव्य शक्ति की वजह से इस जगह पर हजारों अलौकिक शक्तियों का वास है।
जो लोगों की मन्नत की जानकारी बाबा तक पहुंचाती है, और बाबा बिना किसी के कुछ बोले, बिना कुछ बताए मन की सारी बातें जान जाते हैं। कोई भी आता है तो अलग अलग प्रकार की अर्जी लगती है, यानी भूत प्रेतों यानी तांत्रिक भूत जिनको रहता है उनके लिए काले कपड़े में अर्जी बांधी जाती है, और जो मनोकामना रहती है उसके लिए रेड कपड़े में, और शादी ब्याह के लिए येलो कपड़े में 21 पैकर्मा लगा के जो मनोकामना होती है वो बालाजी के यहाँ बोलते हैं, और उनसे वो करके जो वहाँ वो करते हैं वही महाराज जी के पास खबर आ जाती है। अगर आपको भूत प्रेत से संबंधित कोई भी बाधा है, भूत प्रेत प्रसाद से संबंधित आपको कोई भी शक्ति ऐसी आपको लग रही है या आपके परिवार में या आपको कहीं पर भी बताया गया, तो आप वहाँ मंदिर में पहुँचेंगे तो आपको स्वतः आंतरिक मार पड़ने लगेगी। वो देखेगी नहीं कहाँ से मार पड़ रही है, कैसे मार पड़ रही है, लेकिन वहाँ पर आपको आंतरिक मार पड़ेगी। ये सबसे बड़ी शक्ति है। ये गुरुदेव उपस्थित हों या ना हों, गुरुदेव अगर धाम से बाहर भी हो ना, तब भी ये होता है। जो लोग लंबे समय से आ रहे हैं, बाबा से मिलते हैं, धाम की व्यवस्था से जुड़े हैं, इनका दावा है कि धाम की अलौकिक शक्तियों का एहसास कई बार किया गया है। आपने बहुत पास से एक्सपीरियंस किया है, जी जी। आप खुद बताइए, क्या आपने वाकई महसूस किया है कि कोई अलौकिक शक्ति है या बस? नहीं है सर, शक्ति है, हमने खुद महसूस किया है, जाते भी रहते हैं, मतलब हफ्ते में तो मान लीजिए जाना आना लगा ही रहता है, जब मन हुआ तब चले गए, तो विश्वास भी है, और कोई ऐसा मतलब वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब फ्रॉडपन हो या कोई उस तरह का हो, जो है सच्चाई है सामने। क्या कहते हैं? लोगों ने कहा उन अलौकिक शक्तियों का एहसास करना है तो प्रेत दरबार पहुँचिए, जहाँ बाबा पीड़ितों को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। हमने भी उधर का रुख किया। अभी मुझे बताया गया है कि प्रेत दरबार लगता है। प्रेत दरबार मतलब यहाँ पर जिन लोगों के ऊपर प्रेत का साया होता है जैसा लोग मानते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और उनका इलाज होता है। किस तरह से होता है आइए देखते हैं। पूरे दरबार में अजीब हरकतें हो रही, कोई चीख रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई सिर पटके जा रहा था, कुल मिलाकर माहौल बेहद भयानक लग रहा था। देखिए बाबा अभी यहाँ पर आए भी नहीं हैं, सिर्फ ये आरती यहाँ पर आई है और यहाँ का माहौल बदल गया। अभी तक जो महिलाएं बहुत शांत बैठी हुई थी वो अजीबोगरीब तरीके से चीखना चिल्लाना और शोर मचाना शुरू कर दिया। आप बिलीव नहीं कर सकते कि अभी चंद मिनटों पहले तक ये सब लोग ठीक बैठे हुए थे। अभी बाबा भी नहीं आए हैं लेकिन उसके बावजूद प्रेतों की हालत आपके सामने है। तभी दरबार में बाबा पहुंचे और देखते ही देखते दरबार में चीख पुकार और तेज हो गई। बाबा के हाथ हरकत में आए, कुछ मंत्र बुदबुदाना शुरू किया और इसके साथ ही लोग तड़पने लगे। ये देखिए एक उंगली का इशारा होता है और सारे लोग जो है वो अजीबोगरीब तरीके से फ्रेंजी में आ जाते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। आप सिर्फ ये देखिए यहाँ पर किस तरह से एक हाथ का छोटा सा इशारा है, एक हाथ का छोटा सा इशारा है, उंगलियों का इशारा है, और उसके बाद एक पूरे क्राउड में एक अजीब फ्रेंजी डेवलप हो जाती है, अजीब चीख पुकार मचने लगती है, नाचना शुरू कर देते हैं। सिर्फ हाथ का इशारा कर रहे हैं बाबा, सिर्फ हाथ से इशारा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई करंट को छोड़ दे रहा है इस भीड़ के अंदर, और उस करंट की वजह से ये इस तरह से चीखना चिल्लाना और नाचना शुरू कर देते हैं। फिर बाबा ने गदा घुमाई और माइक पर मंत्र बोलने लगे। अब दरबार का माहौल भयानक रूप ले चुका था, मंत्रों का जाप जारी रहा। अचानक सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ देर पहले जो महिलाएं मंत्रों को सुनकर चीख रही थी वो अब शांति के साथ भगवान की पूजा के बाद आरती ले रही। क्या
क्या हो गया था आपको? हमको कार में तबीयत सही नहीं रहती थी और तबीयत खराब होती थी और एक रोज बाद तंग करते हैं और घर में शांति नहीं रहती। तो तुमने डॉक्टर को दिखाया था कभी? हमने दिखाया, काफी जगह दिखाया है, लेकिन बालाजी भी गए थे, मेहंदीपुर बालाजी, द्वार पे आराम था, लेकिन आराम तो कुछ हम पे गलती हो गई, फिर दोबारा हो गया। तो यहाँ अब जैसे अभी क्या हुआ तुम्हें याद है? अभी याद है, आराम है। क्या हुआ? सब सही है, अब कुछ नहीं है हमारे अंदर। नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गई हो। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, ये मनोविज्ञान की एक ऐसी पहेली है जिसके कई पहलू, इस पर आज भी शोध हो रहा है। बात रोक। लेकिन हमारी दिलचस्पी बाबा की उस शक्ति में थी जिसके दम पर वो फरियादी के मन की बात जान जाते हैं, वो भी एकदम सटीक। इसके लिए हमने एक जाल बिछाया, लेकिन पड़ताल करते करते हम भी रहस्य के उस जाल में फंस गए। आधी हकीकत आधा फसाना, चमत्कार के सारे दावे सारी तस्वीरें एक तरफ और दरबार में जो हो रहा था वो एक तरफ। बाबा क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या क्या करते रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं था। हमें मतलब सिर्फ उससे था जो हम दरबार में देख रहे थे और हम चाहते थे कि हम उसकी तह तक पहुँच सकें। बाबा किस तरह से पर्चा बनाते हैं, किस तरह से उन्होंने भीड़ में उस महिला को उसके घरेलू नाम से पुकारा, ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है और हम इसके बारे में जानना चाहते थे। फिर हमारी टीम ने ये फैसला किया कि अब तक फरियादियों को बाबा बुलाते रहे हैं, अब फरियादियों को हम चुनेंगे, हम उनकी सारी परेशानियों को पहले से एक कागज़ पर नोट करेंगे और फिर उन्हें बाबा के दरबार में पेश करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा पर्चा और बाबा का पर्चा कितना मेल खाता है। देखिए, ये हमारा बड़ा सदा हुआ फार्मूला है जिसे हम पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इस बार हमारा ये फार्मूला हमारी ही टीम पर भारी पड़ गया। नया दिन, नए फरियादी और ढेर सारी नई अर्जियां, लेकिन हमारे लिए चुनौती वही पुरानी, बाबा मन की बात कैसे जान जाते हैं, बिना बताए फरियादी की बीमारी कैसे बता देते हैं। इसके लिए अपने पुराने फॉर्मूले को लागू करने का वक्त आ गया था। दरबार के एक फरियादी को लेकर हमारी टीम कमरे से बाहर निकली। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि बागेश्वर धाम का रियलिटी चेक हम करेंगे, अब पर्चे तो बाबा बनाते हैं तो बाबा ही बनाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक पर्चा खुद बनाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं लिखूंगा यहाँ पर और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने लिखा है उससे जो बाबा पर्चा बनाते हैं वो कितना मैच करता है। नाम बताइए पहले तो आप मुझे अपना। अर्जुन सिंह नाम है? अर्जुन सिंह मेरा नाम है। अच्छा, और आपके बेटे का क्या नाम है? इनका सचिन सिंह। और इन आपके बेटे का नाम है सचिन सिंह? ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने नाम लिख लिया है, एक तरफ अर्जुन सिंह है फादर और सचिन सिंह इनके बेटे, मतलब दो चीज़ें हमने नोट कर ली। अब इसमें से एक नाम तो बाबा क्योंकि नाम बता देते हैं बहुत आसानी से तो बता पाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर से। ठीक है, ये मैंने बैंगलोर भी लिख लिया। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम टॉन्सिल, गले में टॉन्सिल हो जाता है। अच्छा, सचिन के गले में टॉन्सिल हो जाता है। ठीक है, टॉन्सिल गले में, ठीक है। और जब भी इनका एग्जाम कुछ स्कूल का था तब भी होता हूँ। अच्छा, जैसे अब कल डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन होएगा। अच्छा, ऑपरेशन के लिए हमने फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा जी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पास नोट कर लीजिए, मैंने भी नोट कर ली। और अब जब बाबा इनका पर्चा बनाएंगे तब पता चलेगा कि वो क्या लिखते हैं। तो एक पर्चा हमने बनाया है, एक पर्चा बाबा बनाएंगे और फिर उन दोनों पर्चों को हम कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से मिलाकर देखेंगे, उसी वक्त आपको दिखाएंगे भी कि क्या कहा गया। हमने जानबूझकर वो केस लिया जिसमें फरियादी ने कई महीने पहले टोकन लिया था। वजह यह कि टोकन लेने वाले को केवल फोन नंबर बताना होता है, जबकि इमरजेंसी नंबर में बीमारी समेत पूरी जानकारी देनी होती है। हालांकि ज्यादातर फरियादी टोकन वाले ही होते हैं,
लेकिन एक केस से काम नहीं चलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे ही प्लांटेड हो। भाई वैसे 2000 4000 लोग प्लांट नहीं हो सकते, मुझे भी पता है, पॉसिबल ही नहीं है। इतनी दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, जाहिर बात है ना एक्टर्स हैं ना प्लांटेड हैं ना उनकी पहले से कोई जानकारी ली गई है, खुद बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमारे पास अवधेश हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, हमारी ही टीम से हैं, हमारे ही साथ ही ये यहाँ आए हैं दिल्ली से। तो मैंने सोचा कि इनके भी तो मन में हो सकता है, अब आदमी ऐसी जगहों पर आता है किसी धाम पर तो सवाल होते हैं। तो अवधेश, तुम्हारे मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी है जो तुम पूछना चाहते हो? हाँ सर, पूछना चाहता हूँ। अच्छा, तो पहले तो तुम मुझे पूरा नाम बताओ, मुझे भी नहीं पता इनका पूरा नाम क्या है। मेरा नाम अवधेश शर्मा। अवधेश शर्मा, और कहाँ के रहने वाले हो? मैं बुलंदशहर का। बुलंदशहर, ठीक है। और सवाल बताओ, तुम्हारे मन में क्या है जो तुम जानना चाहते हो कि बाबा जी तुम्हारे बारे में बताएं? सवाल ये है कि मतलब तरक्की ऊपर जाने के लिए, तरक्की कैसे हो, मतलब अच्छा पैसा कमाया जाए, कैसे कमाया जाए, तरक्की है, तरक्की और पैसा। कोई और ऐसा स्पेसिफिक चीज़ जो तुम चाहते हो कि जिसकी तुमको जवाब मिले? जैसे घर में तकलीफ वगैरह, जैसे बीमारी वीमारी ज़्यादा। अच्छा, घर में बीमारी? जैसे मेरी मम्मी बीमार है मेरी। ठीक है, घर में बीमारी है, मम्मी बीमार। हाँ ठीक है, चलो मेरे ख्याल से इतना काफी है। या कुछ और भी है जो नहीं, बस मम्मी को कम दिखाई देता है, मतलब उसके हाँ, कम दिखाई देता है। हाँ। देखिए ये बड़ी स्पेसिफिक चीज आई है कि मम्मी को कम दिखाई देता है, मम्मी को आंखों की प्रॉब्लम है। तो अब ये एक चीज है, जैसे वहां पर बड़ी स्पेसिफिक बीमारियां वो बता रहे हैं कि गले में है, सर में है, पेट में है। अब ये अवधेश का हमने लिखा है, एक तो पैसा और तरक्की चलो मान लिया कि आदमी हिसाब लगा ले कि यंग आदमी आया है, यही पूछेगा। क्या दिखाई कम देता है, मतलब माँ की आंख में प्रॉब्लम है, वो हम समझते हैं कि किस तरह से हो सकता है। आइए, आ गए भाई, वो आ गए, आ जाओ। बोलो सन्यासी बाबा की। बाबा दरबार में पहुंच चुके थे, श्री बालाजी सरकार की। हॉल खचाखच भरा था, सचिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और दूसरे फरियादी जो हमारी टीम के सदस्य हैं वो साथ खड़े थे। देखते हैं बाबा की भविष्यवाणी कितनी सच निकलती है। इन सभी का पर्चा पहले से ही हमारी जेब में था, जिसे बाबा के पर्चे से मिलाना था। सब कुछ पहले जैसा चलता रहा, तभी हमने बाबा से बोला, बाबा जी दो तीन लोग हैं, हम अभी बुलाते हैं जी। जैसा जैसा आदेश लगता है जी। सचिन सिंह। अरे ये क्या, बाबा ने तो हमारे चुने हुए फरियादी को खुद ही बुला लिया। हमारी टीम सचिन सिंह को बुलाने वाली थी, ये बाबा को कैसे मालूम चला? थोड़ी ही देर में सचिन और उसके पिता बाबा के पास थे। बाबा ने पर्चा लिखना शुरू किया। गले में टॉन्सिल रहता है। कोई बात नहीं, कौन है ये? मेरा बेटा। बेटा, यहाँ पहले से किसी को परेशानी बताई? नहीं सर। किसी ने पूछा आपसे? अच्छा नहीं बताई तो आप पढ़ो, लीजिए आप पर्चा देखिए। गले में दिक्कत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, गले में छाले बने रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, टोटका किया गया, लाभ होगा बेटा को, आशीर्वाद है। हमारी टीम लाजवाब थी, कोई जवाब नहीं। ये कैसे हुआ? ये तो एक एक बात सही निकली। सचिन के नाम पर जो पर्चा हमारे पास था और जो बाबा ने बनाया, दोनों एक दूसरे से 100% मेल खा रहे थे। ठीक है, सचिन का नाम मैंने लिखा था बच्चे का, और पिता का नाम भी लिखा था, और मैंने लिखा था टॉन्सिल है गले में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और गले की दिक्कत। तो मतलब जो बताया था वही सारी चीजें बताई हैं बाबा ने। पहले बाबा ने खुद सचिन का नाम पुकारा, फिर पर्चे पर सचिन की बीमारी भी लिख दी। दावे के मुताबिक ये चमत्कार धाम की उन्हीं दिव्य शक्तियों का है जो सीधे बाबा के संपर्क में रहती हैं। इस घटना ने तो हमें चौंका कर रख दिया था। पड़ताल के पहलुओं को लेकर हमारी टीम उधेड़बुन में लगी थी, तभी बाबा ने दूसरा झटका दिया। हम चाहेंगे कि ये हो सकता सब सेटिंग हो,
पर आप हमारी सेटिंग में नहीं होंगे। मैंने बिल्कुल यही सोचा था कि आपने ये सोचा था, दूसरा मैंने हाँ ये बात दूसरा सोचा। आपने सोचा था ये हम दूसरे का जवाब आपका दे रहे हैं। हाँ। अभी अभी सोचा और पहले भी सोचा आपने। हाँ, सोचा दरबार में आने के पहले और दरबार पर सर्चिंग करने के पहले आपने सोचा, क्या सोचा? एक हम अपने का करके दिखाए तब हम मानेंगे। हमने अपनी टीम के एक सदस्य को बाबा के सामने लाने की तैयारी कर रखी थी। हमने सोचा ज्यादा से ज्यादा बाबा क्या करेंगे, उसके बारे में भी सब कुछ बता देंगे। लेकिन नहीं, बाबा ने अपने चमत्कार का भाला हमारी सोच से भी आगे फेंक दिया। आप जो सोचते जा रहे हैं वो कोई बता रहा, मन में हमारे प्रेरणा दे रहा, अब वही होता जा रहा। अब हमने तीनों आपकी ही टीम है भाई, दिल्ली से हम तीन लोग आए हैं, बाकी ये दो हमारे यहाँ के सहयोगी हैं। बुलाएंगे तीन आप तीनों आए हुए हैं। हम तो पहली बार है यहाँ पर। आपने अपना परिणाम लगाया बताया, बाकी कोई परिचय तो हमने किया नहीं, आपने करवाया तो नहीं, नहीं। हाँ जी या ना जी? बिल्कुल नहीं। अब इनमें से हम बुलाते हैं जिनकी हमारे लिए प्रेरणा आती है, हम उनको तीन में से बुलाते हैं। दिल्ली से गई हमारी टीम में रिपोर्टर समेत तीन लोग थे, जिनमें एक को बाबा के सामने पेश करने की रणनीति बनाई गई थी। बाबा ने दावा किया कि रिपोर्टर को छोड़कर बाकी बचे दो लोगों में एक के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जो धाम की उन दिव्य शक्तियों ने उन तक पहुंचाई है। पूरे धाम में रिपोर्टर के अलावा उन दो सदस्यों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, नाम भी नहीं। आपका नाम सोहेल है पर आपके साथ कोई नजीम अंसारी जी है, इनको भेज दिया जाए। वेलकम टू यू बागेश्वर। अरे ये तो हमारे कैमरामैन का नाम है जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, जिन पर लोगों का ध्यान भी नहीं रहता। फिर बाबा ने नाम कैसे बता दिया? हमने तो किसी और को पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाबा ने कैमरामैन का नाम ले लिया। हालांकि नाम पूरा सही नहीं है, लेकिन असल के काफी करीब है। इन लोगों से किसी से पता कर लिया हो? खैर आप मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है। नहीं, दुर्गेश के साथ हम दो दिन से रह रहे हैं, नहीं पता है। दुर्गेश को भी पता नहीं, आपके पत्रकारों को भी पता नहीं, पर आपके बेटे का नाम नहीं इनको पता होगा। Yes, no. Welcome. Come here. पूरे एमपी में अगर इनके बेटे का कोई नाम इस वक्त जानता होगा तो मैं जानता हूँ। पूरे एमपी में अगर कोई जानता होगा तो कोई नाम जानता होगा तो आप जानते होंगे। दूसरे बागेश्वर वाले बालाजी जाना तुम्हारे चांदपुर खनकी। लीजिए, कैमरामैन नजीम अंसारी आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है। बढ़ेगा, खुश रहे, और तुम्हारी जैसी हाइट का है, पढ़ेगा, बुद्धिमान है, आगे जाएगा, दोनों बच्चियां खुश रहेंगी, आशीर्वाद। इनके बेटे भी पता है, दो बेटियां, दो बेटियां वो भी पता है, सबसे छोटी बेटी है वो भी हमें पता है। जी, बिल्कुल ठीक। सबसे छोटी बेटी है वो भी पता है, कुशीनगर के है ये भी हमें पता है, कुशीनगर के रहने वाले हैं वो भी हमें पता है। मामला थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन किसी की निजी जानकारी फेसबुक और ट्विटर से निकाली जा सकती है। हमारे कैमरामैन का भी फेसबुक प्रोफाइल है, लेकिन बात केवल एक की नहीं। धाम में रोजाना 4,000 से 6,000 लोग आते हैं, सबकी समस्या, बीमारी का नाम, रिश्तेदारों का नाम कागज पर लिख देना, फरियादियों को देखे बिना नाम से पुकारना, फरियादियों के साथ आए लोगों का भी नाम लेना, ये सब कैसे होता है? कोई किसी की मन की बात कैसे पढ़ लेता है? कोई क्या सोच रहा है ये कैसे पता चलता है? ये जानने के लिए हमने इंटरनेट की मदद ली, जहां हमें मशहूर माइंड रीडर
करण सिंह का एक पुराना वीडियो मिला जिसमें करण ने टीम इंडिया कैप्टन विराट कोहली का दिमाग पढ़कर उनके बचपन के दोस्त का नाम बता दिया था. Somebody from your childhood which no way anybody could know. Okay. Like a friend that you remember having or a teacher, anything that you already want. Thought. Now is this, just give me one hint, is this somebody from your school, is this somebody from college, is this somebody from your colony, what is it? Colony. Okay, imagine you're 8 years old, you're in your park, you're learning how to play cricket, you're playing with him. This is somebody who you used to play with as a child. Are you still in touch with this person? Recently, okay. You lost touch for a while and then you gained back touch? Okay, perfect. Do you remember both names, first name and the second name? Okay, we'll try this. Imagine you're playing with him. And imagine he's a cricketer as well. And he plays for one of the IPL teams, not RCB, but another team, right? And imagine, was he better at bowling or batting? Bowling. Okay, imagine he's bowling for you and you're batting. And obviously you're playing fantastically against him. Imagine doing that. And the commentators, let's say, Harsha Bhogle is commenting and he says, XYZ runs up to bowl from this end. And Virat hits him through four. Imagine his name. Imagine shouting the name really loudly. So you see this little bit, he did something like this. Softer sound in the beginning, like a P or a B. A P, thank you. Don't react much, but I try to do this. Genuinely imagine shouting the name. Can you spell the name in your head? Yes. Well, it was fairly quick. The first name is not very long. 5 or 6 letters, yes? Yeah. 6 letters? Yeah. Okay. Pick a letter somewhere in the middle of his name, in the middle of the first name. Yeah. And say that to yourself. That's a Y, yes? We try this. I'll try to get this name as close as I can. Okay. Keep saying this to yourself. I might not get the second name right. Does the second name start with an N? Yeah, okay, I think I have this. I'll show all of you what I think it is. Don't say what I've written. I'll show all of you. Keep it completely to yourself. You close your eyes as well. Right? Have a look. Got it? Yeah? Got it? Yeah. Now, everybody here is proof that I can't change what I've written. I'm going to count to 3. I want you to tell everybody the friend that you're thinking of, and their reaction will tell you if I got it right or not. 1, 2, 3. Piyush Nagpal. Ah! हमारी टीम बिना देर किए दिल्ली में करण सिंह के पास पहुंची. मिलते ही पहला सवाल दागा, ये माइंड रीडिंग क्या बला है? मैं अपने आप को स्टेज पे म्यूजिशियन बहुत रेयरली बुलाता हूँ. मैं अपने आप को साइकोलॉजिकल इल्यूजनिस्ट बुलाता हूँ, जहाँ पे मैं साइकोलॉजी और इल्यूजन मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, कैन टेल यू सो मच अबाउट पीपल. कुछ भी सोहेल. अगर आप अपनी फैमिली से जैसे क्लोज हो, अगर आपके घर पे कोई झूठ बोलता है तो आपको पता चल जाता है. अगर आपके कोई बहुत क्लोज दोस्त कोई आपको कुछ बोलता है तो पता चल जाता है. वही चीज़ आपको पता चलती है क्योंकि आप उस इंसान को बहुत अच्छी तरह जानते हो. कई बार आई एम श्योर आपके साथ और लोग जो घर पे देख रहे हैं उनके साथ भी हुआ है कि कोई स्ट्रेंजर भी ऑफिस में या चलते सड़क में अगर कोई आपको कुछ बेच रहा है तो आपको पता है कब कौन झूठ बोल रहा है. तो वही चीज़ अगर मैं अपने शोज में अप्लाई कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स द सेम. यू कैन फिगर आउट एनीथिंग, देयर नेम्स, देयर डेट ऑफ बर्थ, कि अब क्या बीमारी है उनको, उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, वो ढंग से सोए हैं कि नहीं रात को, उनका सर दर्द कर रहा है कि नहीं. देयर सो मच यू कैन फिगर आउट जस्ट बेस्ड ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज. हमने करण को धाम और धाम के बाबा की पूरी कहानी बताई, हर तस्वीर से रूबरू कराया. फिर करण ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था. जैसे बहुत सारे बाबा जो हम बात कर रहे थे, वो बोलते हैं कि हमको भगवान की दी हुई शक्तियाँ ये हैं वो. मेरे में वो नहीं है. मुझे ये नहीं पता कि उनमें है कि नहीं, बट अगर मैं बिना शक्तियों के कर सकता हूँ ये चीज़ फॉर एंटरटेनमेंट, तो हु इज टू से कि वो सेम चीज़ नहीं कर रहे हैं. दैट इज माई लॉजिक बिहाइंड इट. आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ. बाबा ने कई लोगों की समस्या बताई, बीमारी का नाम लिया, खून में इंफेक्शन, नस दबी, हमारे कैमरामैन के बेटे का नाम बताया. आपके बेटे का नाम नवीद है, पढ़ेगा, फंस रहे. हमने करण से कहा, अगर सारा खेल माइंड रीडिंग का है तो कुछ करके दिखाइए. तो करण, आपने हमको समझा तो दिया और आपने बता भी दिया कि किस तरह से किया जाता है. हाँ. लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह से वो चमत्कार करके दिखा रहे थे. हाँ. अब आप इतना दावा कर रहे हैं तो चमत्कार ठीक है.
चमत्कार करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ना लगे कि हमने सेटअप करा हुआ है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि एक्टिंग कर लेना या हेल्प कर देना, ऐसा कुछ नहीं करा। ठीक है, तो आपके आपके कोई बच्चे बच्चे हैं? तो जो भी ये बड़ा बच्चा है उनके बारे में सोचिए, सोचिए कि आज उनका बर्थडे है, आज यहाँ पे हम दोनों मिले हैं हमारे शूट के लिए नहीं बट उनकी बर्थडे की प्लानिंग करने के लिए, तो केक कट रहा है एंड ऑल ऑफ अस आर सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, एंड फिर वो नाम आप अपने दिमाग में बोलिए और ये जो भी नाम है दोहराते रहिए इन योर माइंड, कुछ भी जोर से नहीं, बस बोलते रहिए कहने नहीं कहने। तो नाउ आई वांट यू टू थिंक उनके नाम के बीच में कोई भी एक लेटर, जैसे मेरा नाम करण है के ए आर ए एन, तो आर सोच सकते हो, बिल्कुल मिडिल लेटर सोचो। ठीक है, तो जो भी ये लेटर है अपने दिमाग में बार बार बोलिए, बोलते रहिए बोलते रहिए। ओ कैमरा पे शायद ये कैच हुआ होगा शायद नहीं होगा, जरा सा ये करा आपने, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ बट मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट जो लेटर आप सोच रहे हो इज द लेटर ए। यस, ऑलमोस्ट आपकी एक्सप्रेशन ऐसी थी कि आप ए आउट लाउड बोलने वाले हो। ए ही सोच रहा था। क्या आपने मन में कैन यू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन हिज नेम? जोर से कुछ नहीं, बस मन में काउंट कर लीजिए। डन, ओके, दैट वाज फेयरली क्विक, ये ज्यादा लंबा नाम नहीं है। तो नेक्स्ट थिंग, कैन यू थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर, जो भी फर्स्ट लेटर है इसके बारे में सोचिए। ओके, लास्ट लेटर, व्हाट आई डू सोहेल इज मैं लिख के कैमरा को दिखा देता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि नाम क्या है, आपको दिखाने से पहले। हो सकता है सोहेल मेरा लास्ट लेटर में शायद मैं गलत हूँ, मैं दो लेटर में कंफ्यूज हूँ, बट ऐसा ही कुछ होना चाहिए नाम। मैं कैमरा में दिखा देता हूँ, जो भी कैमरा के पीछे अगर आपको उनका नाम पता है तो प्लीज रिएक्ट मत करिएगा। आई थिंक ये नाम होना चाहिए। सोहेल मैं तीन तक गिनूंगा, जब मैं थ्री पहुंचूंगा आप नाम बताना मुझे। 1 2 3 शाज। जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट लेटर में शायद मैं गलत हूं, आई गॉट शाद। उसका नाम शाज है, शाज मतलब यूनिक, हां यूनिक, और वो डी और जेड में, मैं थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया बट दैट इज एज क्लोज एज आई कैन गेट। आई मीन दिस इज अगेन, मेरे में कोई शक्तियां नहीं है, मेरे को भगवान ने कोई शक्तियां नहीं दी हैं। बाबा ने जिस तरह हमारे कैमरामैन और उनके बेटे का नाम बताया, ठीक उसी तरह एक माइंड रीडर ने हमारे रिपोर्टर के बेटे का नाम बता दिया। फर्क बस यही है कि एक ने ये काम धाम में किया और दूसरे ने अपने घर के ड्राइंग रूम में। दोनों तस्वीरें आपके सामने, आप किस तस्वीर पर यकीन करते हैं या किस तस्वीर के साथ जाना चाहते हैं, ये आप और आपकी सोच पर निर्भर करता है।